फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आपने मेरा पहला वाला वीडियो तो देखा ही होगा, माई सी सेक्शन एक्सपीरियंस इन हिंदी। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, माई सी सेक्शन एक्सपीरियंस हिंदी, तो मैं इसमें अपना लिंक दे रही हूँ, उस पर आप ज़रूर जाके देखिए। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, माई सी सेक्शन एक्सपीरियंस, माई पोस्ट सी सेक्शन एक्सपीरियंस इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सिजेरियन करने के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिर वहाँ पे हम लोग सब बैठे थे, मैं, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी। हम सब लोग उधर टीवी देख रहे थे, बातें कर रहे थे, उसके साथ फ़ोटो खींच रहे थे। और फिर पीडियाट्रिशियन ने उसको देखा और बोले कि सब ठीक है, हेल्दी है, ओके है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने बोला कि भाई उसको आप एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखो तो अच्छा है। फिर हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए रेडी है। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हॉस्पिटल पर लेके गए। फिर उसके बाद वो उसको वहाँ पर छोड़ के आ गए, उसको NICU में रखा गया एक दिन। फिर उसके बाद उसको वो छोड़ के आ गए। तो फिर हम लोग उधर बैठे थे, मुझे 11 बजे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर 2 बजे मुझे एकदम अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और बुखार चढ़ गया। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि उस टाइम जब मेरे बेबी का बर्थ हुआ, मुझे सिजेरियन कराया गया, तब जुलाई चल रहा था। तो मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुजरात में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो AC, पंखा सब चालू था। तो मैंने बोला सब कुछ बंद कर दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है, मुझे एक दो ब्लैंकेट उठाओ। तो फिर उन लोगों ने मुझे, मेरी मम्मी ने और मेरी सास ने, वो सब लोगों ने मुझे एक बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट उठाए, फिर भी मैं पूरा कांप रही थी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने देखा, बोले कि ठीक है, ऐसा होता है सिजेरियन होने के बाद, फीवर विद चिल्स आना कॉमन है। तो उन लोगों ने मुझे इंजेक्शन लगाए, उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा 1 घंटे के बाद। फिर मतलब शाम तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला पेन वगैरह का। फिर शाम को मुझे थोड़ा थोड़ा पेन का पता चलने लगा। तो सिस्टर, डॉक्टर, वो लोग सब मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे कि भाई मतलब उसको ज़्यादा पेन ना हो। फिर आज मेरा बेबी आउट हो गया, तब अब मुझे शाम को ऐसा लगने लगा कि अब मेरा बेबी आउट हो गया है तो मुझे शायद नींद आ जाएगी आज, क्योंकि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में 7वें महीने से लेकर मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी। मैं इधर घूमूं उधर घूमूं, पूरी रात में मैं घूमती रहती थी और मुझे दिन में नींद आती थी थोड़ी बहुत, तो मैं सो लेती थी। तो आज मुझे ऐसा रिलीफ लग रहा था कि शायद मुझे आज रात में नींद आ जाए। तो मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि प्लीज़ आज कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे नींद आ जाए। तो पता नहीं उन लोगों ने क्या किया होगा, तो उस टाइम रात में मुझे अच्छे से नींद आई थोड़ी। फिर मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ मेरे छोटे से बेबी को ऊपर का फीडिंग फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे बना बना के, और मेरा बेबी वो मतलब सो जा रहा था, वो फॉर्मूला मिल्क लेके थोड़ी देर जगता था फिर सोता था। लेकिन मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम सो गई थी। फिर सुबह में मैं जगी तो सब लोग मुझे विज़िट करने के लिए आते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके हस्बैंड और हमारे और रिलेटिव्स सब आ रहे थे। वो मेरे छोटे से बेबी को देख रहे थे, वो इतना प्यारा था, क्यूट था, सब उसको मतलब खिला रहे थे। तो फिर उसके बाद दोपहर हो गई, डॉक्टर राउंड पे आए, उन लोगों ने बोला कि अब आप उसको पानी दे सकते हो, 2-2 चम्मच मुझे पानी देने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद में दोपहर से बाद के मुझे थोड़ा थोड़ा पेन का पता चलने लगा। फिर धीरे 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 पेन बढ़ता गया और मुझे इतने ज़्यादा स्टिचेस पेन करने लगे कि ओ, मैं इसे करवटें ले सकती थी थोड़ी बहुत, मतलब हिल डुल सकती थी, क्योंकि कल शाम को तो मुझे नंब कर दिया गया था मेरे पैर, तो मैं हिल डुल भी नहीं पा रही थी। आज मैं थोड़ा हिल डुल पा रही थी और स्टिचेस भी बहुत पेन कर रहे थे। फिर उसके बाद शाम को मुझे डिस्चार्ज करने वाले थे, तो मुझे डिस्चार्ज करने वाले थे तो मेरे हस्बैंड आए, उन लोगों ने डिस्चार्ज की पूरी वो सब मतलब होता है वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। फिर सिस्टर्स आई कि वो भाई आप थोड़ा उठो चलो तो हम लोग आपको डिस्चार्ज कर पाए। तो मैं उठी, लेकिन बेड से उठी तो मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर 2 सिस्टरों ने मुझे सहारा दिया, तब जाके मैं थोड़ी उठ पाई, और बहुत ही ज़्यादा स्टिचेस पेन कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा रूम में एक आध राउंड लगाया,
फिर उसके बाद मैं थोड़ी बैठी, डॉक्टर ने बोला आप आइसक्रीम खाओ, तो मैंने एक आध आइसक्रीम खाया। फिर उसके बाद हम लोगों को डिस्चार्ज दिया गया, हम लोग शाम को घर पे आ गए। फिर उसके बाद मैं और मेरा बेबी, मम्मी, वो सब एकदम अच्छे से उसके साथ खेल रहे थे, उसको देख रहे थे, उसके साथ फ़ोटोज़ खींच रहे थे। फिर उसके बाद शाम को भी, रात में भी मुझे अच्छे से नींद आ गई। फाइनली मुझे अब से नींद आने लगी थी, क्योंकि मैं 2-3 महीने से तो मैं अच्छे से सो ही नहीं पाती थी रात में। तो फिर सुबह में उठे, फिर मेरे बेबी को लेके पीडियाट्रिशियन के पास जाना था, तो मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरे छोटे से बेबी को लेके पीडियाट्रिशियन के पास गए। वहाँ पे जाके मेरी मम्मी ने बोला कि बेबी ने तो रात से यूरिन ही नहीं पास किया है। तो पीडियाट्रिशियन ने बोला तब तो उसके ब्लड रिपोर्ट्स और यूरिन रिपोर्ट्स वो सब करने पड़ेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग वो सब रिपोर्ट कर लेते हैं। तो फिर उन लोगों ने वो सब रिपोर्ट किए, तो उसमें मेरे बेबी को थोड़ा इन्फेक्शन आया था। तो मतलब डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट देख के कि भाई उसको थोड़ा इन्फेक्शन आया है बेबी को, तो आपको उसको भर्ती करना पड़ेगा, या तो फिर उसके हाथ में इंट्रा डाल के उसको इंजेक्शन के लिए लेना लेके आना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, उसके हाथ में आप इंट्रा लगा दो, हम इंजेक्शन के लिए आते जाते रहेंगे। तो फिर उसके हाथ में इंट्रा लगा दी गई, और फिर मुझे पता चला कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था उसके हाथ में इंट्रा लगाई तो। और उसको देख देख के मैं भी इतना रोऊँ इतना रोऊँ, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसके बाद उसके हाथ में इंट्रा 2-3 बार चेंज करनी पड़ी थी, बार बार उसके रिपोर्ट्स मतलब कितना इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स भी करने पड़ते थे। और उसको देख देख के मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, और मेरे हस्बैंड वो मुझे समझा रहे थे कि तुम मत रो, बेबी हेल्दी है, ठीक है, ऐसा होता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वैसे भी मेरे हस्बैंड है ना, वो मुझे पूरे प्रेगनेंसी में और इतना ज़्यादा पेम्पर किया मुझे सब लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी में। मेरे हस्बैंड तो मैं जो भी मांगूँ, मैं बोलूँ कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो ला के देते थे। मुझे मतलब मुझे वो मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नोज़िया एंड वॉमिटिंग्स और बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी थी। तो मेरे हस्बैंड ने उसको एक उसका फेवरेट एक परफ्यूम था, वो भी मैं ऐसा बोलती थी कि आप ये परफ्यूम मत लगाया करो, मुझे उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मेरे हस्बैंड ने वो परफ्यूम भी लगाना छोड़ दिया, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेम्पर करते थे। और उस टाइम मैं रो रही थी, तब भी मुझे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, बेबी की तो हेल्थ ख़राब ही है, तुम अपनी हेल्थ मत ख़राब करो, तुम अगर ज़्यादा स्ट्रेस लोगी तो फिर लैक्टेशन पे भी असर पड़ेगा। और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा लैक्टेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, तो उसको अभी भी 2-3 दिनों के बाद भी उसको ऊपर का फीडिंग देना पड़ता था। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मिल्क आने लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, बेबी इतना रो भी रहा था। एक तो इंट्रा की वजह से, एक तो वो दूसरी बार वो भूखा रह रहा था। मेरी मम्मी वो भूखा रह रहा था ना, तो मैं उसको देख देख के इतना रो कि भाई वो मेरी वजह से भूखा रह रहा है, अब मैं क्या करूँ, उसकी वो देख देख के मैं और रो रही थी। तो मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ वो मुझे समझा रही थी कि इट्स ओके, ऐसा होता है, तुम टेंशन मत लो, हम बेबी को ऊपर का फॉर्मूला में दे देंगे, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने स्टिचेस देखो, खाने पीने में ध्यान रखो और एकदम रिलैक्स रहो। तो फिर मैं बस अपना अच्छे से खाना पीना खा रही थी और थोड़ा बहुत घूम फिर रही थी, वो सब कर रही थी। फिर उसके बाद सब ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, मुझे थोड़ा थोड़ा लैक्टेशन भी आने लगा था, लेकिन मेरे बेबी अच्छे से ले नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा बेबी फर्स्ट बेबी था, तो एकदम ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंगोर्ज हो जाती है, एकदम फूल जाती है, और बेबी भी छोटा होता है, उसकी मतलब मुंह भी छोटा छोटा होता है, वो अच्छे से नहीं ले पाता है। तो फिर मेरा बेबी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, और मैं भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो मैं एकदम हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो मतलब 7-8 दिन के बाद हम लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो पाए। और फिर सब पहले तो ऐसा था कि मैं मेरा बेबी पेट में था मेरे,
तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब ऐसा हो गया था कि वो रात में जगता था तो मुझे सोने नहीं देता था, वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ के रोता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब सोऊँ। मुझे ऐसा हो गया था कि मैं पूरे मतलब मेरे को कब सोना मिलेगा, मैं सो ही नहीं पा रही थी, बेबी मुझे सोने नहीं दे रहा था, ऐसा हो गया था। ऐसे गुजरात में हमारे यहाँ छठी होती है, बेबी के बर्थ के बाद 6 डे पे उसकी छठी करते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ मतलब वो मेरे छोटे से बेबी की बुआ होती है, वो एक विधि होती है, उसमें सब रिलेटिव्स को बुलाते हैं और वो सब उसको बेबी को मतलब विधि करते हैं, तो सारे रिलेटिव्स को बुला के उसको विधि करवानी पड़ती है। लेकिन मेरे बेबी को इन्फेक्शन हो गया तो हम लोगों ने भी विधि कैंसिल कर दी कि भाई बहुत सारे रिलेटिव्स को नहीं बुलाना है, क्योंकि हमारे पीडियाट्रिशियन ने मना किया था कि आप लोगों को बहुत सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा नहीं करना है और उसको एकदम सेपरेट रखना है, उसको बहुत ध्यान रखना है। और तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मैं बोल रही थी कि भाई मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ, इन दोनों के अलावा मैं किसी को मेरे बेबी को छूने नहीं दूंगी। तो फिर हम लोगों ने वो विधि भी नहीं की, मतलब की पर बहुत कम लोग आए थे, ऐसे हम लोगों ने ये विधि कर दी। फिर उसके बाद सब ठीक हो गया, 8-10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद मुझे बेबी को दिखाने के लिए बेबी की इंट्रा भी निकल गई थी, अब वो भी ठीक हो गया था एकदम अच्छे से, मुझे भी ठीक था। लेकिन फिर उसके बाद 6-7 दिन हो गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगा, इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा कि मुझे अपने हेड को सपोर्ट करना पड़ता था, इतना ज़्यादा हेडेक हो गया। 2-3 दिन मेडिसिन लिया, आराम किया, तब जाके 2-3 दिन के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ हेडेक से। फिर उसके बाद भी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग अपना स्टिचेस में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए गई, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने भी बोला कि सब ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके, तुम अपना खाने पीने में ध्यान रहो, जो आप सब कुछ खा सकते हो, स्टिचेस भी बराबर है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ओके ओके। फिर उसके बाद तब जाके मुझे डॉक्टर ने नहाने की परमिशन दी 8-10 दिन के बाद, और उस टाइम तो गर्मियाँ चल रही थी, उस टाइम नहीं नहाए तो क्या हालत होती है, स्पॉन्जिंग कर सकते थे लेकिन नहाने जैसा तो नहीं होता, क्योंकि 8 दिन 10 दिन तक मुझे नहाए बिना उस टाइम रहना पड़ा था, और ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही थी। और फिर उसके बाद सब जाके ठीक हो रहा था सब धीरे धीरे, और फिर उस डॉक्टर ने मुझे लैक्टेशन बढ़ाने की मेडिसिन भी कुछ लिख के दी, तो मेरा थोड़ा मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ने लगा, तो मेरा बेबी भी उसको अच्छे से ले पाता था, सब ठीक बराबर चल रहा था। ओके, तो ये था मेरा पोस्ट सी सेक्शन एक्सपीरियंस। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड, बाय।